सो हे गाइस, मैं हूँ महेश, आपका अपना महेश राजस्थानी, वो भी राजस्थान से। गाइस, ये है एस्ट्रा ऑप्शनल i20 डीजल वेरिएंट ह्युंडई का, जो कि काफ़ी एक ट्रेंडिंग कार है आज के टाइम में। और आपको पता होगा, कार ऑफ द ईयर अवार्डेड काफ़ी सालों से रेगुलरली है। ये गाड़ी मैंने खरीदी थी 3 महीने पहले और डीजल का टॉप एंड वेरिएंट है। इसका पूरा वॉक अराउंड, एक अच्छा सा रिव्यू देखेंगे कि ये गाड़ी किस तरह की है, अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है या नहीं है, और अभी जो पेट्रोल का टॉप वर्जन आ रहा है N-Line, वो इससे बेटर है या नहीं है, तो सारी चीज़ वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि आपको सभी को बहुत कम लगता है, बट सीरियसली मैंने इसको काफ़ी अच्छी, मतलब राजस्थान की अच्छी से अच्छी रोड, डेजर्ट, सभी जगह, मड में सभी जगह लेके गया हूँ। ऐसी कोई भी ऐसी इश्यू नहीं है कि ये गाड़ी नीचे से टच हो जाएगी। बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल काम देती है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसकी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी एक स्पोर्टी लुक मिलता है आगे की तरफ से। जो फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी एक सेक्सी लुक में आती है नंबर प्लेट का। और बाकी ये हुंडई की ये बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है और काफ़ी अच्छा एक ब्रॉड एंगल से मिल जाता है सारा कुछ। अब बात कर लें इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट में यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, जिसकी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ साइड जो साइड हेडलैम्प मिल जाता है, जैसे ही आप इंडिकेटर को लेफ्ट में काटेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको हेडलैम्प मिलेगा, और राइट में काटेंगे तो राइट में मिलेगा। यहाँ आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं नाइट टाइम में और एनी टाइम में। यहाँ आपको जो फॉग लैंप्स वगैरह वो मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई गाइस फ्रंट की बात। अब एक एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। ये गाड़ी की जो टॉप लाइन वेरिएंट है, उसकी जो की कुछ किस टाइप की होती है, इसी टाइप की दो कीज़ आपको मिलती है गाड़ी के साथ में। तो जैसे ही अनलॉक करेंगे आप गाड़ी को, तो कुछ इस तरह से इंडिकेटर के लॉक में फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक में अनफोल्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह के होते हैं, इन्हीं के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं और लो लैंप्स भी मिलते हैं, जो कि नीचे की तरफ आपको लैंप्स मिलते हैं जो कि आपको विजिबिलिटी देते हैं नीचे की तरफ के लिए। अब बात कर लेते हैं टायर साइज की, तो टायर साइज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो भैया एक बार टायर साइज दिखा दो, यहाँ पर जो टायर साइज है ये है टायर साइज यहाँ पे 195/50 R16। तो 16 इंच का एलॉय व्हील इस गाड़ी में यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा डायमंड कट एलॉय व्हील है और काफ़ी अच्छी है। इसमें जो कंपनी से जो टायर आते हैं वो लो प्रोफाइल टायर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं सड़क पर चलते वक्त, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से है। और टॉप एंड टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और बैक साइड की अगर बात कर लेते हैं, सारी चीज़ चारों टायर्स हैं, बट जो स्टेपनी का टायर होगा वो एक नंबर आपको कम मिलेगा और वो दूसरी कंपनी का मिलेगा। ये बम्पर मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, इसका भी पूरा वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा कि कितने का पड़ता है, किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होती है, ये बेटर रहता है या नहीं रहता है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पीछे की तरफ की अगर बात करें, तो इस तरह से अनलॉक हो जाएगी और यहाँ से आपको एक बटन मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ, और कुछ इस तरह का अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। बूट में आपको एक तो लैंप मिल जाता है और यहाँ पर आपको सब वूफर मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है, इसमें 4 जो बोस कंपनी के वूफर स्पीकर्स मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं और एक ये वूफर मिल जाता है यहाँ पर, जिसका काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी होती है। इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ हम साउंड क्वालिटी भी इस गाड़ी की बता देंगे। तो ये नॉर्मल होगी। यहाँ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि आपके रेडियो वगैरह में काम आता है। अब गाड़ी के इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो बैक साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको लुक मिल जाता है गाड़ी का। अगर अंदर से दिखा दो कि यहाँ आपको देखिए, सारे पीछे की तरफ AC वेंट्स मिल जाता है, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है पीछे की तरफ, और आर्म रेस्ट के जो पीछे का ऑप्शन है वहाँ पर आपको AC का वेंट मिल जाता है, और चार्जिंग सॉकेट के लिए आपको USB मिल जाता है, और एक छोटा सा कप होल्डर टाइप में मिल जाता है। पीछे आपको बॉस के स्पीकर मिलते हैं, जो कि छोटी साइज के हैं, बट जो फ्रंट के स्पीकर्स हैं तो वो काफ़ी पावरफुल स्पीकर्स हैं। इसके साउंड वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे सारे मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फ्रंट साइड, इस तरह की आपको यहाँ कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर की आपके जेब में है तो यहाँ से आप सिंपली इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो ये लॉक हो जाता है, और वापस अन प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। तो ये डोर ओपन हो गया। कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बॉस के स्पीकर्स की वगैरह मिल जाती है, जो ट्यूटर्स हैं वो भी प्लेस हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिल जाता है। साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर टू बेटर मिल जाती है यहाँ पर आपको। तो ट्यूटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और स्पीकर्स की यहाँ पर, यानी कि 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर और 1 वूफर मिल जाता है यहाँ पर। और गाड़ी का जो ये टॉप वेरियंट है, तो इसमें यहाँ पर आपको जो पुश स्टार्ट बटन है वो यहाँ पर मिल जाता है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। यहाँ कुछ हेडलाइट एडजस्टर वगैरह और ये जो रोड पे ग्रिप बनाने वाला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लच को दबा के रखना पड़ता है और गाड़ी स्टार्ट कर देनी है।
और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ आपको 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ आपको पूरा जो एसी के जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस जो डैशबोर्ड का जो लुक है वो काफी हद तक बीएमडब्ल्यू टाइप का है और काफी मतलब लुक्स वाइज काफी बेटर लगता है, तो कुछ इस टाइप का है। यहाँ आपको कंपनी से जो एयर प्योरीफायर है वो भी मिल जाता है। यहाँ एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें थोड़ा बहुत होल्ड जगह भी मिल जाती है आपको थोड़ी बहुत, और काफी अच्छी मतलब ये सीटिंग्स तो मैंने अलग से कराई है कंपनी के, बाद में मैंने कुछ सीट कवर डले हैं हाफ बकेट में और कुछ मेटिंग वगैरह मैंने करवाई थी। इन सब की चीजें मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, आप चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा, सारी चीजें बताऊंगा। जो इन्फो सिस्टम है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, यहाँ आप अपना चश्मा वगैरह जो भी है कैरी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये चश्मा है तो यहाँ इस चश्मे को रख के हम कैरी कर सकते हैं। यहाँ दो लैंप्स मिल जाते हैं जो कि नाइट रीडिंग के लिए जो रीडिंग लैंप्स होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ मिल जाता है भैया आपको सनरूफ का बटन जो कि आपको सिंपली यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सनरूफ है वो भैया ओपन हो जाएगा। इतना ओपन हो जाता है उसके बाद में भी आप और ओपन कर सकते हैं, वापस बंद करना है तो सिंगल प्रेस पे आप बंद कर सकते हैं। और एंटी पिंच भी है यहाँ, जैसे ही आपका हाथ टच करेगा ये एंटी पिंच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आप इसको सनरूफ को हम पूरा बंद कर देते हैं और फिर बाकी की फीचर्स आपको बता देते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो यहाँ आपको देखिए सारे चीज मिल जाते हैं, यहाँ मोड्स वगैरह मिल जाता है, जो म्यूजिक के कंट्रोल्स वगैरह वो सारे चीज मिल जाती है यहाँ पर, जो म्यूजिक ऑन ऑफ करने का, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल रिसीव कॉल एंड यहाँ वॉइस कमांड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको इसके इन्फो सिस्टम के बारे में सारी डिटेल मिल जाती है। और देखिए जैसे कि मैंने गाड़ी चला दी अभी 9483, ये टायर प्रेशर वगैरह सारे मॉनिटरिंग यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ ये है भैया क्रूज कंट्रोल के लिए, इसके बाद में प्लस माइनस काम करता है, आफ्टर 30 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल काम करता है। इसको रीडिंग करने के बाद आप जीरो कर सकते हैं पूरी की पूरी रीडिंग और देख सकते हैं आपकी अभी एवरेज क्या दे रही है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये है भैया स्टेयरिंग, ये जो टॉप वेरिएंट है उसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। यहाँ आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाता है यूएसबी जो सॉन्ग प्ले करने के लिए। यहाँ आपको 12 वोल्ट का एडेप्टर मिल जाता है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है। तो यहाँ आप जैसे वायरलेस जो पैड है यहाँ पर आप किसी भी मोबाइल को रख के जो वायरलेस सपोर्ट करता है उसको रख के आप चार्ज वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से आप मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए। जो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी में मिलता है जो कि डीजल वेरियंट है 1.5 लीटर का जो कि ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारे फीचर्स इस गाड़ी के बारे में। तो गाइज हम समझ लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि क्या चीज है आगे। ओके गाइज, तो ये है इस गाड़ी का इंजन जो यहाँ पर आपको सारी चीज मिल जाती है। ये है आपका फ्लूड का जो भी आपके जो वाइपर बॉटल्स में जो पानी डाला जाता है वो है यहाँ पर, जो कूलेंट होता है इंजन के लिए वो है, या इंजन ऑयल वगैरह है, या इंजन चेक के लिए पॉइंट है। ये इसका इंजन है जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन है। ये इसके बैटरी वगैरह, फ्यूज बॉक्स वगैरह, तो कुल मिला के ये इंजन है। पेट्रोल और डीजल में काफ़ी डिफरेंस है, पावर में, टॉर्क में, ताकत में, पैसे में, हर चीज़ में डिफरेंस है। तो आपको गाइड्स पूरा का पूरा रिव्यू समझ में आ गया होगा कि गाड़ी किस टाइप की।